यूगो ट्राइक को असेंबल कैसे करें। असेंबल करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास रेफरेंस के लिए बॉक्स में आए हुए सभी पार्ट्स और यूजर मैनुअल उपस्थित हों। इसके अतिरिक्त असेंबली के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर की आवश्यकता होगी। पहले स्क्रू होल्स को मिलाते हुए ट्राइक फ्रेम को पिछले एक्सल में लगाएं। स्क्रू लगाकर नट को स्पैनर से अच्छे से टाइट करें। आगे के पहिए को लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि रॉड का स्लिट ट्राइक फ्रेम की ओर हो। मड गार्ड को आगे के पहिए पर अच्छी तरह से लगाएं। आगे के पहिए को फ्रेम पर लगाएं। हैंडल लॉक घुमाकर चेक कर लें कि पहिया फ्रेम में ठीक से लग गया है। रॉड में प्लास्टिक की रिंग और मेटल क्लिप डालें। आगे की बास्केट को हैंडल बार पर लगाएं और हैंडल बार को अगले पहिए के रॉड पर लगाएं। स्पैनर से हैंडल बार क्लिप के नट को अच्छे से टाइट करें। बास्केट को पूरी तरह नीचे खिसकाकर हैंडल बार क्लिप को ढकें। सैडल सीट को फ्रेम के स्क्रू होल्स के ऊपर रखें। सैडल सीट को स्क्रू लगाकर नट को स्पैनर से अच्छे से टाइट करें। निचले पुश हैंडल को फ्रेम में लगाएं और ध्यान रखें कि बटन ठीक से लॉक हो जाए। ऊपरी पुश हैंडल को निचले पुश हैंडल में लगाएं। यूगो ट्राइक को फ्री व्हील मोड और पेडलिंग मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुश ट्राइक की तरह उपयोग करते समय बच्चे की सुरक्षा के लिए सामने के पहिए पर स्थित स्विच को आराम से बाहर निकालकर पेडल को फ्री करें। पेडलिंग मोड के लिए स्विच को आराम से अंदर की ओर दबाएं। आपकी चिक्को यूगो ट्राइक अब इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।